हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल 2022। तो यह जो है ऑर्गेनाइजेशन नेम इसका उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये ऑर्गेनाइजेशन नेम हो गया। पोस्ट नेम इसमें जो है टेक्नीशियन का पोस्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ पोस्ट जो है 891 है। इसमें अप्लाइंग डेट इसमें 27 सितंबर से 19 अक्टूबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है इसके लिए रखा गया है 18 to 40 ईयर्स। तो अदर स्टेट यूपी को छोड़कर के अदर स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन जो है रिजर्वेशन फॉर यूपी कैंडिडेट्स ओनली। तो रिजर्वेशन आपको जो है सिर्फ मिलेगा यूपी स्टेट के कैंडिडेट के को सिर्फ मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो है पास्ट SSC विद साइंस एंड मैथ, SSC 10th क्लास आपका पास होना चाहिए साइंस एंड मैथ से, और प्लस इसमें 2 ईयर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। 2 साल का डिग्री आपका होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल डिग्री जो है इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो है 2 साल का डिग्री दिया जाता है आपको। इलेक्ट्रिक पेपर में आपका क्लियर होना चाहिए। तो 2 आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, मैट्रिक एग्ज़ाम पास होना चाहिए, प्लस 2 साल का आपका इलेक्ट्रिकल में सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो है NCVT से आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए या तो फिर स्टेट काउंसिल से आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न इसमें जो है एग्ज़ाम पैटर्न आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा 3 घंटे का। इसमें आपका बटा होगा पार्ट ए और पार्ट बी में, 2 पार्ट में आपका बटा होगा। पार्ट ए में जो है आपका इसमें कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, इसमें 50 क्वेश्चंस जो है इसके लिए 50 मार्क्स का रहेगा। और ये जो है इसका सिलेबस जो है ये इस पर आधारित रहेगा NIE LIT CCC लेवल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भारत सरकार का संस्थान है, जितना भी पहले जिसको हम लोग DOEC के नाम से जानते थे वो जो है। तो ये आपका कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC लेवल का आपका जो है इसमें आपका सिलेबस है, इसी से आपको जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें जो है आपको इसका हम लोग देखेंगे, इसका सिलेबस हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे इसको हम लोग आगे देखेंगे। क्वालिफाइंग, तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इसमें आपको 50 क्वेश्चंस का कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होगा। इसमें आपको जो है 20 मार्क्स आपको लाना है, 20 मार्क्स आपका पास करने के लिए ज़रूरी है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा आपका, 1/4 नेगेटिव है। पार्ट ए, ये तो आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में जो है आपका 4 पेपर आपका रहेगा, 4 पार्ट में बटा हुआ रहेगा। पहला इसमें GK प्लस रीजनिंग, GK भी और रीजनिंग भी जो है ये दोनों आपका 10-10 क्वेश्चंस रहेगा, 20 क्वेश्चंस हो गए दोनों मिला करके आपका 20 मार्क्स का हो गया। और जनरल हिंदी ये आपका 10th लेवल का रहेगा, इसमें के अंतर्गत जो है आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको 15 मार्क्स का रहेगा। और इसी तरह से जनरल इंग्लिश जो है ये भी 10th लेवल का रहेगा, इसमें आपको 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये भी 15 मार्क्स का रहेगा। और चौथा आपका टेक्निकल नॉलेज रहेगा, ये जो है जो एक इलेक्ट्रिकल पेपर है टेक्निकल नॉलेज आपको पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत जो है 150 क्वेश्चंस है आपको, इसमें 150 मार्क्स का रहेगा। तो ये जो है आपका जनरल पेपर 50 क्वेश्चंस का हो गया, GK रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश, लेकिन मेन पेपर जो है आपका हो गया 150 क्वेश्चंस। इसी पर जो है आपका 150 नंबर का आपका हो गया, तो ज़्यादा वेटेज आपको इसी पर जाता है, इसी से आपका सिलेक्शन होने का संभावना बढ़ता है। तो टोटल आपका 200 क्वेश्चंस हो गया, 200 मार्क्स का, ये दोनों एग्ज़ाम आपका एक साथ हो जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। और इसमें अभी पार्ट बी में भी आपको जो नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 रखा गया है, इसमें भी निगेटिव और पार्ट ए में भी निगेटिव मार्किंग है। इसके लिए क्वालिफाइंग जो है आपको 67 मार्क्स आपको लाना है, इन 200 में जो है आपको 67 मार्क्स आपको इतना लाना होगा, ताकि जो है आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। तो इसके लिए तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखने से ज़्यादा नंबर जो है बहुत सारे कैंडिडेट को हो जाएगा। तो ऐसा तो सिर्फ रखा गया है, इसमें आगे चल के फिर जो है आपका
ये तो कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा आगे चल करके, वो तो आपका बढ़ जाएगा। मिनिमम कट ऑफ में तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके लिए कौन कौन सा बुक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे ताकि जो है इसमें मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकें। तो इसके लिए पहले बुक्स हम लोग देखते हैं। बुक्स, तो बुक्स में पहले जो है आपका टेक्निकल पेपर का ही हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो टेक्निकल पेपर में जो है आपका, इसमें इलेक्ट्रिकल पेपर में जो है आपका फिजिक्स से बहुत सारा पोर्शन आपका कवर होता है, तो आपको इसमें जो है फिजिक्स पेपर आपको अवश्य इसमें पढ़ना चाहिए। फिजिक्स जो है इलेवन और ट्वेल्व का, फिजिक्स जो है इलेवन और ट्वेल्थ क्लास का आपको इसमें अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे आपका जो है टोटल आपको नहीं, सेलेक्टेड पोर्शन पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पार्ट आपको इसमें ज़्यादा इसमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पोर्शन इसमें इलेवंथ और ट्वेल्थ लेवल का आप फिजिक्स इसमें पढ़ेंगे तो आपका इसे बेसिक मजबूत हो जाएगा। दूसरा पेपर आपका, दूसरा इसमें पढ़ना है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पर भारत स्किल्स .gov.in, ये वेबसाइट पर जाएंगे तो ये भारत सरकार का वेबसाइट है। इसमें जो है आप ई लर्निंग पर जाएंगे, ये इसका होम पेज पर जा करके आपको ई लर्निंग खोलना है। तो ई लर्निंग में उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल पेपर, तो सारा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका उपलब्ध है, जो कि भारत स्किल्स .gov.in, ये भारत सरकार का वेबसाइट है। इसमें उस पर जाएंगे आप, ई लर्निंग ओपन करेंगे, उसके बाद जो है आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें इलेक्ट्रिकल पेपर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जो है सारा आपको पूरा सिलेबस आपको वीडियो के रूप में उपलब्ध है। ये तो आपका सब्जेक्ट पेपर का हो गया। अब बाकी जो है आप जो है ITI कोर्स के दौरान जो है इलेक्ट्रिकल के लिए जो है बहुत सारे बुक पढ़े होंगे। अब आते हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर आपका मेन पेपर होता है, कंप्यूटर पार्ट ए में, बिना उसके पास किए हुए आपका पार्ट बी नहीं चेक किया जाएगा। जब तक उसमें आप पास नहीं करेंगे आपका पार्ट बी से कोई बेनिफिट नहीं है, तो ये कंपलसरी है आपको कंप्यूटर पेपर पास करना। तो इसमें बोला जा रहा है NIELIT, तो इसका सिलेबस जो है CCC लेवल का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार का संस्थान है, उसके अंतर्गत जो है CCC लेवल का आपका होना चाहिए, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, तो ये आपको मिल जाएगा। ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप इसमें गूगल में सर्च करेंगे ई कंटेंट्स फॉर CCC, CCC कोर्स मटेरियल, इतना आप सर्च करेंगे तो आपको जो है तो NIELIT के द्वारा ही जो है पूरा आपका टेक्स्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा, PDF फॉर्म में आपको पूरा इसका स्टडी मटेरियल CC लेवल का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो इसका तो इतना आपको गूगल में सर्च करना है, आपको इसके वेबसाइट पर आपको ले जाएगा NIELIT, वहाँ से आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये कंप्यूटर के लिए एक बुक ये पढ़ सकते हैं, और दूसरा बुक अगर पढ़ना चाहें तो इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके वेबसाइट पर जा करके 10th लेवल का या फिर जो है 12th लेवल का
ट्वेल्थ क्लास का कंप्यूटर का बुक इसमें पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी अवेलेबल है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। इतना आपके लिए वैसे काफ़ी है, NIE LIT का CCC लेवल का ई कॉन्टेंट्स फॉर CCC कोर्स मटेरियल है, इतना काफ़ी है। और आगे पढ़ना चाहें तो दूसरा बुक भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया कंप्यूटर के लिए। अब आते हैं हम लोग GK के लिए। तो GK के लिए आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें जो है सामान्य ज्ञान, दिग्दर्शन, या फिर लूसेंट GK कोई भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट GK दोनों में से कोई भी। और इसमें करंट अफेयर्स के लिए सामान्य ज्ञान, दर्पण, एग्जाम से पहले का 12 मार्क का पढ़ लेंगे, इतना आपके लिए काफ़ी है। ये हो गया GK के लिए। और रीजनिंग के लिए रीजनिंग में भी आपको विशेष इसमें ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, बाय RS अग्रवाल। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार के रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें उपलब्ध है। ये RS अग्रवाल के द्वारा बुक इसमें, इसको आपको हिंदी मीडियम में भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये हो गया रीजनिंग GK। और आपका 10th लेवल के लिए जो है जनरल हिंदी या फिर जनरल इंग्लिश के लिए कोई भी 10th लेवल का आप ग्रामर बुक आप पढ़ लेंगे, कोई भी राइटर का इसमें पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ लीजिए, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का। तो ये आपका जो है कितना आपका सिलेबस हो गया। पहला तो आपका सिलेबस हो गया ITI लेवल का सिलेबस, आपको फिजिक्स इसमें पढ़ना है, 11+12 का सिलेक्टेड पोर्शन आपको पढ़ना। और दूसरा इसमें bharatskills.gov.in पर इस पर जा करके आपका ITI का पूरा सिलेबस आपको इलेक्ट्रिकल पेपर का मिल जाएगा। और तीसरा कंप्यूटर के लिए ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अवश्य पढ़ना चाहिए कंप्यूटर के लिए, ई कॉन्टेंट्स फॉर CCC कोर्स मटेरियल। और बाकी सभी तो जनरल पेपर है। अब आगे हम लोग देखते हैं अपना स्ट्रेटजी हम लोग किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से अपना तैयारी करेंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो हम अपना स्ट्रेटजी को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला 50% टाइम फॉर सब्जेक्ट स्टडी, और दूसरा 50% टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट। तो हम लोग अपना सब टाइम टेबल जो है स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, कोई भी एग्जाम के लिए जो है स्ट्रेटजी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, काफ़ी मायने रखता है। आपका स्ट्रेटजी ही आपको जो है आपका सक्सेस रेट को आसान बनाता है, उसी पर आपका सफलता निर्भर करता है। तो उसके लिए जो 50% टाइम फॉर सब्जेक्ट है, उसके लिए पहला स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे, सेलेक्ट वन बुक फॉर ईच सब्जेक्ट।
दूसरा रेड टोटो थ्री टाइम्स, सेम बुक। तीसरा करना है, तीसरा आपका स्टडी होना चाहिए सेलेक्टिव स्टडी करना है, सेलेक्टिव, या इसी को हम लोग स्मार्ट स्टडी कहते हैं। तो पहला आपको करना है सेलेक्ट वन बुक फॉर इच सब्जेक्ट, प्रत्येक पेपर के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आप एक बुक आप सेलेक्ट करें, रीड टू टू थ्री टाइम्स सेम बुक, और उसी बुक को जो है दो से तीन बार आप पढ़ने का प्रयास करें। और तीसरा आपको करना सेलेक्टिव स्टडी, कोई भी एग्जाम के लिए सिलेबस उसका डिफाइन किया जाता है, तो आपको पूरा बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको सेलेक्टिव स्टडी करना है, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही स्टडी करना है, बेकार में उसमें टाइम जो है वेस्ट नहीं करना है। तो आपको सेलेक्टिव स्टडी करना है इसमें, जिस पोर्शन से आपका ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग, ये पार्ट कंप्लीट हो गया सब्जेक्ट स्टडी का, तो उसके बाद हम लोग आते हैं अपना सेल्फ असेसमेंट, अपना आत्मूल्यांकन कैसे करेंगे, कैसे अपने आप को जांचेंगे कि कितना मेरा सब्जेक्ट स्टडी पार्ट कंप्लीट हुआ, कितना बचा हुआ। उसके लिए हम लोग सेल्फ असेसमेंट मॉक टेस्ट देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक या फिर मॉडल सेट या फिर प्रैक्टिस सेट। दूसरा, इसमें आपको डेली वन मॉक टेस्ट देना है, डेली वन मॉक टेस्ट, 100 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्जाम। तो इसमें एक मॉक टेस्ट में आपका जो है पार्ट ए भी आएगा और पार्ट ए भी आएगा, पार्ट बी भी आएगा, दोनों भी आएगा, दोनों मिला करके आपको 3 घंटे का मॉक टेस्ट देना है। तो आपको जो है इसमें पहला नंबर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लेना है, दूसरा डेली वन मॉक टेस्ट देना है, और तीसरा 100 मॉक टेस्ट बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले तक आपको 100 मॉक टेस्ट दे देना है। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों आपको, तीनों में आप सुधार कर पाएंगे। पहला नंबर तो डेली आप मॉक टेस्ट देंगे, उससे आपका बनाने का स्पीड बढ़ते जाएगा, एक ही टाइप के सवाल को बार बार बनाएंगे तो आपका बनाने का स्पीड बढ़ेगा और कम समय में आप सवालों को हल कर पाएंगे, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरा एक्यूरेसी, आपका ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही होगा, एक्यूरेसी आपको बढ़ाने का ज़रूरत है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव कम से कम करना और एक्यूरेसी बढ़ाना है, तो आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब आप डेली मॉक टेस्ट देंगे। तीसरा टाइम मैनेजमेंट, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इतना मॉक टेस्ट देने के बाद जो है आप ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि आपका जो है एग्ज़ाम में टाइम समाप्त हो गया और फिर जो है आपका क्वेश्चन बचा रह गया, तो आप जो है एग्ज़ाम में आप टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, 3 घंटा के अंदर में ही आप जो है 200-250 सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला करके आपका 250 सवाल को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो इतना मॉक टेस्ट देने के बाद जो है, मॉक टेस्ट देने के बाद जो है आपका फिर टेस्ट एनालिसिस करना है, टेस्ट एनालिसिस, सिर्फ जो है मॉक टेस्ट दे देने से काम नहीं चलेगा, इसमें जो है मॉक टेस्ट देने के बाद जो है आपका जो है टेस्ट एनालिसिस करना है, ये काफ़ी मायने इम्पोर्टेंट रहता है, जब तक ये नहीं करेंगे आपको टेस्ट देने से कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपको पूरा जो है उसमें क्वेश्चन आंसर पूरा चेक करना है, कोई भी क्वेश्चन जो है किस वजह से गलत हुआ है, किस वजह से, तो वो चीज़ आपको ज़रूर इसमें फाइंड आउट करना है, तभी जो है आपका इसका जो है 100% आप जो है सेल्फ असेसमेंट से फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।